नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी या डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2017 के सिलेबस से शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय के बारे में। उसमें शिक्षण का अर्थ जानेंगे और उद्देश्य जानेंगे, साथ में हम जो बीएड है, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन जो प्रोग्राम है उसका जो सब्जेक्ट है यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि जो शिक्षण और जो अधिगम है उसमें से जो है हम शिक्षण के बारे में जानेंगे। तो बीटीसी या डीएलएड साथ में बीएड, इन दोनों के लिए जो है ये लेसन प्लान जो है आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि शिक्षण क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशंस, उसकी परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य, यानी कि जो टीचिंग की जो मीनिंग है और उसका जो ऑब्जेक्टिव है यानी जो उद्देश्य है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हमारे दिमाग में जब हम लोग शिक्षण पढ़ते हैं यानी कि टीचिंग पढ़ते हैं तो ये आता है कि टीच करना, टीचिंग दैट मीन्स टीच करना यानी कि पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या कोई शिक्षक है पढ़ाएगा शिक्षक, ठीक है। तो कोई भी अगर पढ़ा रहा है तो वहां पे क्या होगा, शिक्षण होगा। लेकिन शायद हम कुछ हद तक जो है गलत हैं, क्योंकि पढ़ाना ही शिक्षण नहीं है, वहां पर पढ़ना और सिखाना ही शिक्षण नहीं है, वहां पर सीखना, ये दोनों चीजें भी इंक्लूड होंगी, वहां पर जो है समाहित होंगी उनमें। कहने का मतलब है जहां पर सीखने सिखाने, जहां मैं सीख रहा हूं और कोई सिखा रहा है, ठीक है, जहां मैं पढ़ रहा हूं और कोई पढ़ा रहा है, ये दोनों प्रक्रियाएं जहां पर होती हैं और जिस भी व्यक्ति द्वारा होती हैं और जिसको दी जाती हैं, तो वहां पर क्या है, ये एक तरीके से शिक्षण का जो है अर्थ बता रहा है, ये शिक्षण के अर्थ को यहाँ पर परिभाषित करता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि अर्थ में कि विद्यालयों में सीखने सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है। यहां पर ये वर्ड ध्यान देने योग्य है, लिखा है सामान्यतः, ठीक है, इसका मतलब अभी हम समझते हैं, सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है और इसे ही जो है शिक्षण या टीचिंग बोलते हैं। लिखा है सामान्यतः, ठीक है, इसमें यही नहीं लिखा है, यह नहीं लिखा है कि केवल शिक्षक द्वारा। कहने का मतलब है आपको टीचिंग जो है कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है किया जा सकता है, जो है आपको पढ़ाया जा सकता है, वो जरूरी नहीं कि शिक्षक ही हो, ठीक है, वह एक अपरिपक्व व्यक्ति, ठीक है, अविकसित व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो कि हमको टीच कर रहा हो, जो कि हमको पढ़ा रहा हो। शिक्षण का मतलब केवल एक पाठ्य वस्तु, एक पाठ्यक्रम के शिक्षण और उसके विषय वस्तु को का अध्ययन करने से ही नहीं है। अगर बात करूं सामाजिक नैतिक मूल्यों की, तो जिस तरीके से शिक्षक उन चीजों के बारे में बताता है, वैसे कहीं ना कहीं से जो हमारा परिवार है, जो हमारी फैमिली है, जो आसपास का वातावरण है, वहां की प्रक्रियाओं से जो है हम कहीं ना कहीं से जो है सीखते हैं कि वो चीज एग्जैक्टली है क्या, उसका हमारे जीवन क्या महत्व है। तो वहां भी कहीं ना कहीं से शिक्षण का जो है प्रानुभाव होता है, वहां जन्म लेता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें यहां पर नेक्स्ट, उसमें दिया है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, एक सोशल जो है प्रोसेस है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक यानी ज्ञान कौशल, यानी कि नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे, स्किल्स की बात हो रही है, ठीक है, व्यवहार व दक्षता को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है, जो बिहेवियर है, जो उसकी दक्षता है, ठीक है, तो उसको जो है पहुंचाने का कार्य करता है। एक शिक्षक हो गया या कोई और व्यक्ति हो गया, ठीक है, एक परिपक्व या अपरिपक्व, पूरी तरीके से शिक्षित अशिक्षित, दोनों ही तरीके से जो है शिक्षण का माध्यम, व्यक्तियों द्वारा शिक्षण का माध्यम जो है को माध्यम हम मानते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें कि इसके कंपोनेंट्स की कि एग्जैक्टली जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, तो शिक्षा या शिक्षण इसमें कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि शामिल होते हैं एक शिक्षण की प्रक्रिया में, एक टीचिंग के प्रोसेस में। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक त्रिध्रुवीय गत्यात्मक अंतःक्रियात्मक मॉडल है और सा उद्देश्य प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय इसका मतलब अभी हम समझते हैं, गत्यात्मक मतलब होता है कि जीवन पर्यंत चलने वाली, ना रुकने वाली कभी, ठीक है। अंतःक्रियात्मक कहने का मतलब है दो या अधिक लोगों के मध्य जो शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है। सा उद्देश्य मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा उद्देश्य जो है उसमें निहित होता है, तो सा उद्देश्य मतलब उद्देश्य सहित एक प्रोसेस और एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो अगर वही मैं बात करूं, एक मेरा बचा है त्रिध्रुवीय,
त्रिध्रुवीय कहने का मतलब है एक अगर कोई कक्षा है तो वहां पर, अब मैं एक कक्षा की बात कर रहा हूं ठीक है, यहां पे शिक्षण में मैं एक कक्षा विशेष की बात कर रहा हूं, तो वहां पे शिक्षक होगा, शिक्षार्थी भी होगा, शिक्षार्थी में विद्यार्थी और विद्यार्थिनी दोनों शामिल हैं, और एक क्या है हमारा जो पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु जो है ठीक है। तो जहां ये तीनों ये त्रिध्रुवीय मॉडल देखने को मिले तो वहां पे हम क्या बोल देंगे कि हाँ ठीक है यहाँ पे शिक्षण का कार्य जो है हो रहा है, या शिक्षण की ये यही कंपोनेंट्स है ठीक है, या अंग बोल सकते हैं इनको। तो इसमें क्या है आगे देखते हैं कि यहाँ पर उपयुक्त तीनों ध्रुवों के मध्य जो है संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया जो है ये जो है वो क्या है एक शिक्षण है। तो अब हम देखते हैं जो सामान्य अर्थ में शिक्षण का अर्थ है उसका क्या होता है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं एक जनरल से यानी लैमन लैंग्वेज आम भाषा में, तो ज्ञान प्राप्त करना ठीक है, यानी कि नॉलेज को गेन करना, और तथ्यों ठीक है तथ्यों का बोध करना, कहने का मतलब है फैक्ट्स को जानना ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एक शिक्षण हो गया कि हाँ ठीक है मैं शिक्षण जो है ग्रहण कर रहा हूं या शिक्षा ले रहा हूं। वहीं अगला इसमें है कि छात्र के अधिगम को सक्रिय करने हेतु अध्यापकों के द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है छात्र के अधिगम, इस शब्द का मतलब हम समझेंगे कि अधिगम क्या होता है, को सक्रिय करने हेतु अध्यापकों के द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। कुछ टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिनका प्रयोग शिक्षक करता है, एक टीचर करता है छात्र के अधिगम, यहां पर अधिगम का मतलब होता है लर्निंग या सीखना ठीक है, लर्निंग ये एक टेक्निकल टर्म है अधिगम, तो लर्निंग जो है उसका मतलब सीखना या अधिगम। तो छात्र के अधिगम को सक्रिय करने के लिए, कहने का मतलब है कि उसकी जो ये जैसे मैंने वहां पर बात की थी गत्यात्मक जो है वो प्रक्रिया है, तो छात्र जो है वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहे, वहां पर उसको सक्रिय करने के लिए एक्टिव स्टेज में लाने के लिए कुछ टीचिंग प्रिंसिपल्स का प्रयोग किया जाता है। तो वो भी जो है एक तरीके से शिक्षण के सिद्धांतों में ही आता है। अब यहाँ पे अगला दिया हुआ है कि शिक्षण और अधिगम क्या होता है, यानी कि टीचिंग और लर्निंग इन दोनों में संबंध क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे दिया हुआ कि एक दूसरे से संबंधित है, कहने का मतलब है कि शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाले में अपने ज्ञान प्राप्ति को जीवन में प्रयोग करने की क्षमता ना उत्पन्न हो। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण यानी टीचिंग जो है एक टीचर जो है दे रहा है, एक टीचर पढ़ा रहा है, और किसको पढ़ा रहा है छात्रों को, और छात्र जब तक अगर अपना फीडबैक ठीक है नहीं दे रहा है, या फिर उस ज्ञान का जो उसने उस अध्यापक से प्राप्त किया उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं हो रहा है ठीक है, वो उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा है, तो वो शिक्षण नहीं होगा ठीक है, पूरी तरीके से वो शिक्षण नहीं होगा। कहने का मतलब ये है जिस तरीके से अगर मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं ठीक है, किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूं संप्रेषण वाली बात, तो वहां पर जब तक हमको फीडबैक नहीं मिलता तब तक मेरा संप्रेषण का जो प्रक्रिया है कि प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं होती है। उसी तरीके से अगर कोई शिक्षक शिक्षण दे रहा है और जब तक अधिगम यानी कि अगर बच्चा सीख नहीं ले रहा है तब तक जो है शिक्षण की प्रक्रिया जो है पूर्ण नहीं होती है ठीक है, जीवन में प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न ना हो। कहने का मतलब है जो सीखा है उसको अपने जो है रियल लाइफ में जब तक वो यूज ना कर पाए ठीक है, उसका एप्लीकेशन जो है देखने को ना मिले तब तक जो है शिक्षण प्रक्रिया नहीं होगी। शिक्षण उस समय ही होता है जब कुछ सीखा जाता है ठीक है, कहने का मतलब है मैं कुछ जो है अधिगम कर रहा हूं, कोई कुछ चीज सीख रहा हूं, वहां पर हमको शिक्षण जो है देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कंटेम्पररी है एक दूसरे के जो है, जहां पे शिक्षण है वहां पर अधिगम होगा ठीक है, तो एक दूसरे से हम इसको संबंधित बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि जैसे एक कैंची के दो फलक होते हैं ठीक है, तो दायां बायां उसको मैं मान सकता हूँ, या पैर मनुष्य के शरीर का दो पैर ठीक है बायां और दायां, तो उसी तरीके से शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है, उसको मैं एग्जाम्पल्स में जो है समझ सकता हूँ, कैंची का फलक वाली बात या फिर जो मनुष्य के जो है दायां और बायां पैर वाली बात ठीक है। यहां पर है शिक्षण या सीखना, तो इसमें क्या है कि कक्षा है, स्कूल है, समाज है, शिक्षण प्रक्रिया या सीखने वाली प्रक्रिया कहीं भी हो सकती है, एक क्लासरूम में हो सकती है, एक उस क्लासरूम मतलब स्कूल जहां पे कई सारे क्लासरूम्स हैं, और एक समाज यानी कि एक सोसाइटी में भी जो है मैं कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जो शिक्षार्थी है वो जो है शिक्षण ग्रहण कर सकता है या सीख सकता है। अब यहां पर देखते हैं शिक्षक का व्यापक और संकुचित अर्थ इनमें क्या है। व्यापक अर्थ कहने का मतलब है कि बड़े तौर पर ठीक है, कहने का मतलब है मनुष्य का जीवन ठीक, एक स्टार्टिंग से लेकर के एक लास्ट तक ठीक, तो उसमें क्या है कि एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर मैं व्यापक रूप से देखूं तो जिसके तहत क्या होगा, वस्तुएं हैं, व्यक्ति, वातावरण, साधन, माध्यम, घटनाएं, व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सिखाती हैं। कहने का मतलब है ये जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो टीचिंग
प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। आज हम छोटे हैं, सबसे छोटा जो बच्चा होता है वो परिवार से शुरू करता है सीखना, तत्पश्चात उसके जो है वो इसको समाज में देखता है, आसपास के वातावरण को देखता है, वहां से कुछ ना कुछ सीखता है, उसके बाद वो स्कूल में जाके अपने अध्यापक से कुछ सीखता है, धीरे धीरे माध्यमिक और उसके बाद जब वो और उच्च स्तरीय अगर शिक्षण प्रक्रिया के लिए जाता है तो अपने वहां पर प्रोफेसर से कुछ सीखता है, ठीक है। तो और उसके बाद कहीं ना कहीं से फिर से समाज और जो परिवार है उसका जो है रूबरू होता है वो उन सारे लोगों से, और वहां पे भी उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है, उसको वहां से सीख मिलती है कि हाँ ठीक है, जीवन में ये चीजें जो है हो रही हैं, ये चीजें भविष्य में हुई हैं, और ये चीजें जो है भविष्य में हुई होंगी, और इस तरीके से जो है पास्ट में हुई थी भविष्य में होंगी, तो उसके प्रति वो सजग होता है, वो कहीं ना कहीं से उस चीजों को सीखने का सीखता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इस प्रकार के शिक्षण में व्यक्ति जीवन भर औपचारिक व अनौपचारिक साधनों से कुछ ना कुछ सीखता ही है, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इन तरीकों से कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं, यहां पर दिया हुआ है कि संकुचित अर्थ में, एक नैरो मीनिंग अगर मैं बात करूं कि नैरो मीनिंग में जो है इसका मतलब क्या है, तो बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण है। कहने का मतलब है वहां मैं व्यापक तरीके से एक परिवार से लेकर के मैं पूरी क्लासरूम और वहां पे शिक्षक सबसे हो करके जीवन मतलब मृत्यु तक की बात में कुछ ना कुछ सीखने वाली बात की, यहाँ पर क्या है एक कक्षा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक विद्यालय में एक पाठ्यक्रम, एक कक्षा, एक कक्ष है, एक शिक्षण है, माध्यम, इन सारे चीजों के मध्य। कहने का मतलब है कि विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है बालकों को, जो ज्ञान व जानकारी दी जा रही है, जो परामर्श दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से जो है एक संकुचित अर्थ में एक नैरो मीनिंग को बताता है। जो और होता क्या है इसमें कि बालकों को कुछ निश्चित वर्षों तक ही जो है ये नैरो मीनिंग वाली जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कुछ निश्चित वर्षों तक ही जो है दी जाती है। तो ये हुई ब्रॉड मीनिंग और उसका जो है नैरो में मतलब। इसमें क्या है कि निश्चित उद्देश्य को लेकर निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली जो प्रक्रिया ही है वो शिक्षण है, ठीक है। उद्देश्य हमारा निश्चित है, टाइम हमारा डिफाइंड है, निश्चित है, ठीक है, स्थान प्लेस भी निश्चित है कि हाँ ठीक है मैं विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, निश्चित और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा, यानी कि शिक्षक जो है वो ट्रेंड है, अनुभवी है, उसके द्वारा जो है दी जाने वाली जो प्रक्रिया है शिक्षण की, प्रक्रिया जो है वो ही जो है क्या है शिक्षण है। वही अगर मैं इसकी परिभाषाओं के बारे में बात करूं तो डॉक्टर माथुर थे, उन्होंने बोला था कि जो शिक्षण है उसका अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करने से है जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा टर्म नहीं है, देखते हैं फिर भी, जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति, कहने का मतलब वो अपने नेचर को, अपने कंडीशन को जो है अनुरूप समस्याओं को हल करने, कहने का मतलब है अपने आप को वातावरण से समायोजित करके उस समस्या का, जिस समस्या, जो समस्या है उसके पास में आ रही है उसको हल कर सके, उसको जो है सॉल्व कर सके उस समय। तो ऐसी शिक्षा दी जाए अगर जो है तो वो कहीं ना कहीं शिक्षण की प्रक्रिया में जो है शामिल होगी। वही अगर रॉयल्स थे, इन्होंने बोला था कि दूसरों को सिखाने की दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की जो प्रक्रिया होती है, कहने का मतलब है एक शिक्षक है जो शिक्षार्थी को सिखा रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है और उन्हें निर्देशित कर रहा है, ठीक है, उनको डायरेक्ट कर रहा है कि आप ये करें, ठीक है। तो वो उस तरीके की प्रक्रिया में भी हमको जो है शिक्षण देखने को कहीं ना कहीं से मिलेगी। कहने का मतलब है मैं सिंपली एक तरीके से बता सकता हूं कि छात्र के व्यवहार में, ठीक है, उसके बिहेवियर में वांछित परिवर्तन लाना या उसके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन जो आता है वो शिक्षण के माध्यम से ही आता है। वहीं अब अगर हम बात करें शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग के, तो शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, मतलब ऐसा ज्ञान देना जो उनके जीवन में जो है उपयोगी साबित हो। अगला है उनके व्यक्तित्व, क्षमता, योग्यता, कुशलता का अधिकाधिक विकास, कहने का मतलब उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए, उनकी क्षमता जो कैपेसिटी है, उनकी योग्यता जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो कुशलता जो स्किल्स हैं उनमें अधिकाधिक विकास करना, ठीक है। शिक्षार्थियों को सीखने हेतु प्रोत्साहित करना, ठीक है, उनको मोटिवेट करना कि हाँ ठीक है आप अधिगम यानी कि सीखने की बात को जो है अपने में अपनाइए और कुछ नई बातें, नई अच्छी चीजें सीखिए जो कि जीवन उपयोगी हो। आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना, ठीक है, जो मोरल है उसको हाई करना। नेतृत्व क्षमता, नैतिक सामाजिक मूल्य का विकास, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की जो क्षमता है उसका विकास करना, जो मॉरल वैल्यूज है, जो सोशल वैल्यूज हैं उनका डेवलपमेंट, ठीक है, उनमें एनहेंसमेंट, उनमें इंक्रीमेंट। नेक्स्ट है इसमें सही व स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, कहने का मतलब राइट और जो हेल्दी एक तरीके से जो दृष्टिकोण है, ठीक है,
जो देखने का नजरिया है जो है वो सही तरीके से और स्वस्थ हो, अच्छा हो जो है उसका विकास करना। वहीं पे अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य है स्वच्छता, परिवेश के प्रति जागरूकता, हेल्थ के प्रति जो स्वच्छता है उसके प्रति परिवेश आसपास के वातावरण के प्रति जागरूकता कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, ठीक है उनके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जानना, अच्छा मार्गदर्शन करना, राइट डायरेक्शन में उनको चीजें बताना, रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, सक्रिय सक्रिय रखना, कहने का मतलब है एक तरीके से आर्टिस्टिक अप्रोच जिसको बोलते हैं उसका विकास करना, ठीक है। कहने का मतलब है नई नई चीजों को खोजना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इनोवेटिव चीजें होती हैं ठीक है उनका खोज करना, इस तरीके से सक्रिय रखना, उनको एक्टिव स्टेज में रखना, शिक्षार्थियों की समस्याओं को दूर करना, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं शिक्षक उनको दूर करेगा या हमारे परिवार के सदस्य या समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है दूर करने वाली बात, वो अशुद्धियों का निवारण करना, जो भी उनमें इंप्योरिटीज हैं उनको दूर करना, ठीक है सही राह दिखाने वाली बात में के संदर्भ में, वही वातावरण के साथ समायोजन करके करना सिखाना, ठीक है कि किस तरीके से हम एनवायरमेंट के साथ में जो है अपने आप को ढाल सकते हैं उसके बारे में हमको जो है अधिगम करना है या सिखाना, ठीक है। तो इसमें क्या है अगला, इसमें देख सकते हैं कि एकाग्रता वाली बात, ठीक है चिंतन करना इसी चीज के बारे में जो है अच्छे तरीके से सोच विचार करना, उसके बाद रुचि का विकास करना, ठीक है इंटरेस्ट उनका जिसमें है उसका विकास करना, सहयोग योग्यता वाली भावना, आत्मा अभिव्यक्ति अपने आप को जो है प्रकट करने की बात, ठीक है। तो शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये जो है स्मिथ ने एक डेफिनेशन दी थी कि शिक्षण का जो उद्देश्य है वो एक निर्देशित क्रिया है। तो ये थी बात जो है उनके उद्देश्यों के बारे में, इसके अलावा और भी उद्देश्य हो सकते हैं जो आप अपने आप से लिख सकते हैं। तो ये बात थी शिक्षण की प्रक्रिया की एक व्यापक अर्थ में उसकी परिभाषा, एक संकुचित अर्थ में उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्यों के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, ठीक है माइक्रो टीचिंग क्या है, उसमें किस तरीके से हम स्पेसिफिक लेसन और टॉपिक के बारे में जो है हम पढ़ते हैं और उसमें जो समय अवधि है वो किस तरीके से निर्धारित करते हैं, उनकी चक्रण की जो प्रक्रिया है और शिक्षण की जो प्रकृति होती है जो नेचर ऑफ टीचिंग है, तो उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।